फाइनली वी आर एट द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन हमारा जुनून है। यहाँ से ये बोट्स निकलते हैं वहाँ की ओर। वैसे समुद्र के किनारे गर्मा गर्म चाय हमारे नसीब में था, और वो किनारा भी कन्याकुमारी का हो तो कितनी अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक पानी नहीं आएगा। नहीं, आई डोंट वॉन्ट। नहीं, कबूतर मेरी किस्मत तय नहीं कर सकता। 20, 30, 30। मेहनत करोगे तो पालोगे जिंदगी को, हाथ में हाथ रखे बैठोगे तो हार जाओगे जिंदगी से। अभी हम भी कहीं पे छुप जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू कन्याकुमारी, वेलकम टू इंडिया राइड। तो फाइनली हम हैं आज कन्याकुमारी में, और यहाँ आते आते क्या हो गया मेरे साथ, कैसे कैसे लोग मिले, कितने अच्छे लोग मिले, वो आप ज़रूर देखिएगा। और कल जब हम यहाँ पे आ रहे थे, बाइक ख़राब, फिर लोड कैरियर में हमने बाइक लगा दी, फिर सर्विस सेंटर, वो आप पिछले व्लॉग्स में देखें। और सबसे बड़ी बात, कल हमने 6200 किलोमीटर कंप्लीट किए। फिलहाल के लिए इतना कहेंगे कि लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और सब्सक्राइब कर रहे ना, प्रेस द बेल आइकन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो। चलो भाई साहब, अभी शुरुआत करते हैं। और पहले मेरा दिक्रो देखो कहाँ पे है भाई। दिक्रो को यहीं पे रखना है, क्योंकि कन्याकुमारी घूमना है, वो भी ऑटो में। पहले हम कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी टाइम आया है, 2 बजने वाले हैं। बेहतर है कि पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद कन्याकुमारी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और ये सड़कें हैं भाई साहब कन्याकुमारी की, यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट ढूँढना है, उसके बाद खाना कुछ मिलेगा इधर। ऐसे स्ट्रीट फूड यहाँ पे बहुत सारा मिलता है, हर जगह पे आपको मछली मिलेगी। और संडे की वजह से ना आज मार्केट भी बंद है भाई। मौसम साथ दे रहा है, उतनी गर्मी भी नहीं है, 30-31 डिग्री सेल्सियस होगा। ए देखो भाई, गर्मा गर्म मछलियाँ। मिलेगा खाना? ओके। भिंडी? नहीं, भिंडी नहीं। ये क्या? क्या है भाई इसमें? पत्ते 5-6 हैं, पत्ते पत्ते। राइस खाना हमारा हो गया, अब हम आराम से घूम सकते हैं, आराम से आपको चीज़ें दिखा सकते हैं, वो भी कन्याकुमारी की भाई साहब। लेकिन धूप निकल के आ रही है अभी, आई डोंट नो, मैं भी बाहर निकल गया और धूप भी निकल गई, रश भी इधर ठीक ठाक है। अभी हम समुंदर के किनारे पे पहुंचने वाले हैं, और दिस इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। और इसका नाम त्रिवेणी संगम क्यों है? यहाँ पे एक ही जगह पे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एक ही जगह पे मिलते हैं, एंड ये एक ही पॉइंट है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। पे लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कैमरा देख के ना, YouTube चैनल का नाम बड़ा अच्छा लगता है तो, और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी करते हैं लोग कैमरा की तरफ, ऐसा नहीं कैमरा देखो और छुप गए। ये देखो भाई, 20, 30, 30।
बाटी गर्मा गर्म। थैंक यू। ऐसे इस खूबसूरत से नज़ारे में आंटी अपना काम काज कर रही है, बड़ी खुशकिस्मत है। अब हमें यहाँ से जाना है। What's that? Yes? लासी काल, लासी काल हिंदी इंग्लिश। खाता है? ये खाएगा? लासी काल। खा लो। खा लो। कार्ड फॉर व्हाट? पैस नाम वो नाम हाँ नाम पैसा नाम वो राशि कार्ड है ना ना हिंदी इंग्लिश कार्ड उठाना हाँ कार्ड राशि कार्ड है कार्ड क्लियर नाम नाम नहीं नहीं I don't want हाँ नहीं नहीं क्लियर रखो नहीं नहीं कबूतर मेरी किस्मत तय नहीं कर सकता क्लियर चलो ना चलो नो 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 जी थैंक यू खा लो ये खाता ही नहीं है खाएगा बोलो खाने को बोलो हाँ क्या हवाएं चल रही है ना यहाँ से मेरा कैमरा हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है इतनी तेज से हवाएं चल रही है बोटिंग बोटिंग विच साइड बोटिंग चार बजे बंद हो गया है क्लोज व्हाई टाइम टाइम क्लोज वहाँ पे स्वामी विवेकानंदा का टेंपल है और वहाँ पे यस क्लोज हो गया और कल सुबह तो निकलना है कल सुबह कितना टिकट होता है इसका 75 बोटिंग का 75 चार बजे के बाद बंद होता है भाई बोटिंग करनी थी भाई समंदर की लहरों से गुजरना था ओके हाँ स्पेशल टिकट पर हेड 300 अगर आपको स्पेशल जाना होगा तो अगर आपको नॉर्मली जाना है ना लोगों के साथ उस बड़े से बोट में तो दैट इज 75 अब ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैं जाना चाहता था और ये सब ठीक नहीं हुआ अभी कल का प्लान देखते हैं क्योंकि प्लान के हिसाब से कल सवेरे मुझे निकलना है तो मैं आपको बोट्स दिखाता हूँ पहले नहीं थैंक यू लोग ये है नॉर्मल बोट्स जो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे लेकिन इसमें मुझे लग रहा है सेफ नहीं है मेरे हिसाब से बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि लहरें इतने तेज से आ रही है ना ये तो उड़ा ही देगा इसको तो वो वाला इज़ फुली सेफ और वो 4 बजे बंद होता है इसमें हमें जाना था भाई साहब वो जो बड़ा बोट आपको दिख रहा है लेकिन 4 बजे वो क्लोज होता है एंड दैट टेंपल इज़ स्वामी विवेकानंदा टेंपल उधर तक जाने के लिए उस बोट में जाना है अगर आपको स्पेशल जाना है तो फिर 300 चार्ज करना पड़ेगा अगर आपको नॉर्मली जाना है तो 75 थैंक यू आई हैव दिस ऐसा ये भी है लेने नहीं नहीं किससे बनाता है ये वो संघ का बनाता है ये किससे संघ बढ़िया संघ का बना ओके ये भी संघ के ये मोती है वो पत्थर है ओके सस्ता है देख ले सर कितना देता है कितना एक का 40 रुपए माला 3 का 100 रुपए 40 रुपए माला हाँ 1 3 का 100 रुपए ये किसका बना है संग का बना था ये बढ़िया संग पत्थर का हाँ ₹40 का ना एक सेकंड ना भैया ये क्या डाला इसमें रबड़ प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं फिर अलग का तेल हां संग का बना संग हां ना नहीं ये तो प्लास्टिक है नहीं भैया प्लास्टिक नहीं है हां अलग का तेल प्लास्टिक नहीं ये प्लास्टिक है ये
पत्थर का माले कोवड़ी का ऐसा वाला है। हाँ। अभी ये हमने ले लिया भाई, ये ना वही काटता है ना टूटना वाला, वो लगाया। यहाँ से भी आपको खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं पता नहीं रहता ना, 4 बजे क्लोज होता है, अगर मुझे पता होता तो मैं 1 ही बजे आ जाता इधर। वो देख लो, वो जो बोट्स वहाँ पे दिख रही है ना, 1-2 तो अभी भी चल रही है। और यहाँ से ये बोट्स निकलते हैं वहाँ की ओर, इसका चार्ज 75 है खाली। नाइस। कैसे आप? हाय 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 हेलो हाय बोल रहे हैं। क्या नाम? नसरुद्दीन। कहाँ रहता है? पर्वतीवेलूर। नामक्कल? नामक्कल, नामक्कल। अभी ये सर्च करेंगे पहले, वेट, मैं दिखाएगा ऐसे TH UMAR। दो उमर ये पे ना यूट्यूब पे वरा पोरें अन्ने नंबर ने ये निंगला पता आ गया। ओके छोटू बाय बाय। ए इकडे पलंग ला। बहुत अच्छे लोग मिलते हैं भाई रास्ते में। यहाँ से भी खूबसूरत से नज़ारे, अंकल सेल्फी ले रहे हैं। चाय चाय, समुंदर के किनारे चाय पीने में अलग ही मज़ा है भाई। वहाँ पे हम बैठेंगे और वहीं पे हम चाय पियेंगे। लीजिए एक कप। कितना एक कप? 15 रुपीस। थैंक यू। यहाँ पे हम नहीं बैठ सकते, पानी आएगा और अपने साथ ही चाय भी मुझे भी अपने साथ ही लेके जाएगा। सो बेस्ट है कि हम यहाँ पे बैठेंगे, उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक पानी नहीं आएगा। कभी सोचा नहीं था कैसे बैठ के चाय पियेंगे। बहुत अच्छी मूवमेंट है मेरे लिए, बहुत स्पेशल मूवमेंट है मेरे लिए। यहाँ तक आता है भाई, इससे आगे नहीं आएगा। ओप्सो ऐसे लोग यहाँ पे चाय पीते हैं और उसके बाद वो देखो भाई, उसके बाद ये जो कप वगैरह होता है ना यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। एटलीस्ट ख्याल करना चाहिए इन सब चीज़ों का। डस्टबिन लगे हैं बाहर, डस्टबिन यूज़ करेंगे। ये देखो यहाँ से कप्स वगैरह ना ऐसे ही फेंके, तो ये देख के बड़ा दुख होता है कि हम इंसान होके ऐसा कर रहे हैं, नॉट गुड। ऐसी जगहों पे ना ये कचरा वचरा नहीं फेंका करें। वो लहर आएगी, वो लहर आएगी। वो देखो आ गई आ गई आ गई, देख लो। हाँ यहाँ तक तो आएगी, यहाँ तक आएगा, अभी आएगा, पक्का आएगा। नहीं ये मैं रुक गया। वो वाला आएगा, वो वाला ज़रूर आएगा, देख लो देख लो देख लो देख लो। नहीं यहाँ तक तो आता है, इसके बाद नहीं। अभी शाम के टाइम और भी ज़्यादा भीड़ होगी इधर, एंड टाइम आया है 5:55। देखो भाई लोग, अभी शाम के टाइम अच्छे से सफाई चल रही है इस पे। ये देख लो, दिन भर यहाँ पे लोग घूमे और जो ये रेत जमा हुई है ना इसको साफ कर रहे हैं शाम के टाइम। कैसा लग रहा है कि बारिश हो गई, काले बादल। अगर यहाँ पे बारिश होगी ना फिर कहाँ पे छुपेगा इंसान, वो मुझे नहीं पता। आता पानी, वाटर, हाँ पानी इल्ला इधर नहीं आता, शाम के टाइम आता है। शाम के टाइम पानी इधर भी आता है, इधर नहीं आता है। आप सफाई कर रहे हैं रोज? एवरी डे शाम के टाइम। ओके थैंक यू
हवाएं और बारिश। नो, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था मैं कि लास्ट में बारिश हो जाए। बहुत जोर से बारिश हो रही है। सब लोग भाग रहे हैं अभी। वाह, अभी हम भी कहीं पे छुप जाएंगे। यहाँ पे रहना पड़ेगा। दो मिनट में पूरा गीला, फुल पानी पानी है। यहाँ पे रुके ना तो फिर फंस जाएंगे। कपड़े जो है ना फुल पानी है। खाली मुझे लग रहा है 2 मिनट बारिश हो गई और 2 मिनट में पूरा गीला हो गया मैं। होटल पास में ही है, इट्स बीच से जहाँ पे हम थे वहाँ से 500 मीटर्स होगा बस। अम्ब्रेला इधर कोई काम नहीं करेगा क्योंकि बारिश जो है ना, और बारिश के साथ साथ फुल तेज़ हवाएं आती है। एक तो अम्ब्रेला को भी उड़ा के ले जाएगा, दूसरा आपको भी। तो इन सब चीज़ों का इधर कोई यूज़ नहीं है। कल जब मैं आ गया था तो बहुत रश था, अभी उतना रश नहीं देखने को मिल रहा है, अभी बहुत कम रश है। कल ये सड़कें फुल पैक थी, भर के था। अभी बारिश कंटिन्यूसली हो रही है भाई और हम भी चलते ही जा रहे हैं। और होटल्स की बात करेंगे ना तो कन्याकुमारी जो बीच है ना, इसके साइड में ही होटल्स मिलेंगे, बहुत सारे होटल्स मिलेंगे और अच्छी खासी रेट। अच्छा खासा होटल आपको 1500-2000 में मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने स्टे किया है, ये जो ये वाला होटल है, हमारी वसंती बीक गई। हाँ, कैसे आप? गुड। व्हाई यू आर कमिंग टू आउटसाइड? Because it's full rain there. You take what YouTube means. Huh? You take what it's YouTube. Continue. Yes. Sorry. You gave me sleeper yesterday. Okay. अभी कोई ऐसा parking नहीं inside? Yeah, no. There is parking, but भीग रहा है। Our hotel. चलो भाई, मसले की बात ये है ना कि यहाँ पे मेरे को network नहीं आ रहा है और wifi भी होटल का ना काम नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा फटाफट से हम डिनर करके आ जाते हैं और कन्याकुमारी का नाइट लाइफ आपको दिखाना तो बाकी है ना। और यहाँ पे शाम के टाइम देखो बाहर कैसे लोग खाना खाते हैं ना, वहाँ पे बनाया खाना, फ़िश यहाँ पे ज़्यादा ये लोग बेचते हैं। और यहाँ पे चेयर पे बैठे, हाँ क्या माहौल है ना, सड़क पे देख रहे हो भाई, मछलियाँ तैयार यहाँ पे और वहाँ पे ये लोग बनाते हैं। हाय 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 हाय, ऊपर से कवर लगा के मसाला फिट इसमें फिक्स करके, ज़बरदस्त। यहाँ से भी आपको यही देखने को मिलेगा। अभी हम बीच की तरफ जाएंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे शाम के टाइम कैसा होता है। वैसे शाम का नज़ारा कुछ इस तरह है कन्याकुमारी। ये लास्ट पॉइंट है भाई, लास्ट। इसी मार्केट जो है ना धीरे धीरे बंद हो रहा है, अभी शाम के 9 बज गए। ये लो भाई, भाई साहब मछली पकड़ रहा है अभी। आई डोंट नो शाम के टाइम ही मछली क्यों पकड़ रहा है, शायद दिन में नहीं पकड़ सकता बिकॉज इलीगल होगा मे बी, आई डोंट नो, पूछेंगे भाई साहब से। हाँ, होई होई, वाह, ये देख लो भाई साहब, अभी मछलियाँ पकड़ने की तैयारी हो रही है। ये बड़ी मछली पकड़ी है भाई साहब ने और ये छोटी एक। अभी आता है इसमें मछली? दिन में? दिन में नहीं, रात को आता है। रात को? भाई साहब अभी जोरों शोर से मछलियाँ पकड़ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा सीन है भाई, समुंदर की लहरें और यहाँ पे फिशिंग भी हो रही है, दैट्स अ गुड थिंग। अभी भाई साहब कन्याकुमारी में है, ये सब चीज़ें तो बनता है भाई।
अभी हम भी यहाँ पे बैठेंगे कुछ टाइम तक। हो गई भीड़ जमा, अभी भाई साहब निकल रहे हैं, यू नो इनकी बेहतरी है अगर ये निकलेंगे अभी, नहीं तो बाद में इनका कंप्लेंट होगी ना तो मसले होंगे इन पे। ये देख लो, चलो भाई लोग यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, अभी आगे की ओर बढ़ेंगे, डिनर करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट जो है ना जल्दी बंद होता है शायद, जिस हिसाब से अभी दुकानें बंद हो रही है, तो बेस्ट है कि अभी हम पहले डिनर करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट तो नहीं करना है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग में लग जाते हैं ना, तो 2-3 बज जाते हैं, और सुबह हमें निकलना है यहाँ से, सुबह में फिर से यहाँ पे आना है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि बाइक में वहाँ पे लगा लूँ भाई। यस लेट्स गो। तो डिनर से पहले ना अभी मेरे को सिम लेना है, जियो सिम, मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ और सेकंड सिम ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता और आगे जाके और लंबा सफ़र है इंडिया राइड में, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आगे और भी मैं फंस जाऊँ, पहले हम यहाँ पे जियो सिम लेते हैं उसके बाद डिनर करेंगे। तो 250 में आप दे रहे हैं ना, 250 में, ओके अभी 250 में हमें जियो सिम मिलेगी और एक महीना इसके साथ रिचार्ज आएगा। तो जी भाई लोग ये रहा हमारा नया सिम कार्ड। थैंक यू बॉस। चलो भाई लोग सिम हमने ले ली, वो भी कन्याकुमारी में, अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। हाँ थैंक यू। रोटी अभी हम आ गए रूम में वापस, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि कन्याकुमारी में हमने आज सिम खरीदी, जो कि मैं आगे यूज़ करूँगा, हमेशा यूज़ करूँगा। तो अभी अपना ख्याल रखें और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद 2-3 बजे उठते हैं रात को, और उस टाइम एडिटिंग वगैरह अपना काम जो अधूरा रहता है वो करेंगे। अभी फ़िलहाल सो जाऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें और सुबह देखते हैं क्या कुछ रहेगा। कन्याकुमारी बाइक जो है ना वो हमें किनारे पे लेके जानी है, तो उसके बाद आगे की और क्या सफ़र रहेगा वो मैं बताऊंगा। आप सिर्फ दुआ करें, और सब्सक्राइब कर रहे हैं ना तो प्रेस द बेल आइकन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपना प्यार दिखाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, कि करके पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।